हैं आप सभी कला इंस्पायर पे। सो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर, वाइकेजियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट शुरू करना है आज हमें। आज हम लोग सीखेंगे कि स्टेट की लायबिलिटी कब होती है, कब नहीं होती है, जब उसके सर्वेंट्स कोई टॉर्शियस एक्टिविटी कमिट करते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि सॉवरेन फंक्शंस, नॉन सॉवरेन फंक्शंस क्या होते हैं। आज हम तीन मेजर केस लॉस देखेंगे, पी एंड ओ, ओरिएंटल स्टेट स्टीम नेविगेशन कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया एंड स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इन तीन केसेस लॉस को समझेंगे और स्टेट की लायबिलिटी के पूरे कॉन्सेप्ट को आज खत्म कर देंगे। तो लेट्स स्टार्ट। देखो, वाइकेरियस लायबिलिटी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। हमने क्वी फेसिट एलियम, फेसिट पर से, रेस्पॉन्डियट सुपीरियर, इस टाइप की मैक्सिम्स को कवर कर लिया था पिछली वीडियोस में। नहीं देखी तो देख के आओ भाई। नाउ हम लोग अगर यही इसी टॉपिक को एक और फर्दर स्टेप आगे ले आते हैं तो हम लोग वाइकेरियस लायबिलिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन अब स्टेट की बात कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, हमें जब कोई गलती करते हैं तो हमें कौन पनिश करता है? स्टेट पनिश करता है। स्टेट ही तो ये पूरा मैकेनिज्म बना के रखा है। जब स्टेट कोई गलती करे तब भी तो स्टेट को पनिशमेंट मिलनी चाहिए ना, एग्रीड? लेकिन ऐसा पहले नहीं था। पहले क्या था कि पहले जो क्राउन था, जो किंग थे, माना जाता कि वो कुछ गलत काम कर ही नहीं सकते। उनके जो सर्वेंट्स उनसे कुछ टॉर्शियस एक्टिविटी कमिट हो ही नहीं सकती। सो इवन दो दे वर कमिटिंग द रॉन्ग्स, दे वर नॉट गेटिंग पनिश्ड। बात समझ में आ रही है? सो अर्लियर एट कॉमन लॉ क्राउन कुड नॉट बी सूड इन लॉ। अच्छा ये चीज सिचुएशन चेंज कब हुई? ये सिचुएशन चेंज हुई अंडर क्राउन प्रोसीडिंग्स एक्ट 1947 में। अच्छा इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद सिचुएशन ऐसी बन गई दैट द जो प्रोसेस ऑफ सुइंग बिगिन हो गई टुवर्ड्स द क्राउन, ठीक है, टुवर्ड्स द किंग और टुवर्ड्स द गवर्नमेंट जो भी उस समय रूल में हो। ठीक है, समझ में आ रही है बात? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम बात करें When the state can be held vicarious liable, मतलब स्टेट को हम किस सिचुएशन में vicarious liability के अंदर सू कर सकते हैं? अच्छा देखो, जब उसका कोई सर्वेंट अंडर एम्प्लॉयमेंट है ना, अंडर द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कोई ऐसा एक्ट कमिट करे जो कि टॉर्शियस हो। बात समझ में आ रही है? आर्टिकल 300 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन mentions it कि इंडियन गवर्नमेंट को यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से और स्टेट गवर्नमेंट को उस पर्टिकुलर स्टेट के नाम से सू किया जा सकता है और वो भी सू कर सकता है। बात समझ में आ रही है? अच्छा अगर कोई केस जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले आया हो तो उसके साथ क्या होगा? तो सेम चीज, उसमें डोमिनियन ऑफ प्रोविंस हटा के यूनियन ऑफ इंडिया और पर्टिकुलर स्टेट का नाम इंसर्ट करके वो केस की प्रोसीडिंग्स अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 300 की जाएंगी। बात समझ में आ रही है? आ रही है? सो आर्टिकल 300 ऑफ द स्टेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट इट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फॉर द टॉर्ट्स कमिटेड बाय द सर्वेंट्स ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटीज। जब सर्वेंट्स, गवर्नमेंट सर्वेंट्स ऐसा कोई एक्ट कर रहे हो जो कि उनकी गवर्नमेंट ड्यूटी के अंतर्गत हो और उस दौरान वो कोई टॉर्शियस एक्ट कमिट कर दें तो वी कैन चार्ज द स्टेट फॉर द वाइकेरियस लायबिलिटी। बीइंग द पॉइंट बीइंग दैट जो वो एक्टिविटी कर रहे हो, जो वो ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहे हो, दे मस्ट नॉट बी अ सॉवरेन प्रोसेस या सॉवरेन पावर। मतलब सॉवरेन पावर सर, देखो वी नीड टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स यहां पे, सॉवरेन फंक्शंस और नॉन सॉवरेन फंक्शंस। पूरा खेल ही वाइकेरियस लायबिलिटी में इन दो चीजों का है। देखो यार, व्हेन वी टॉक अबाउट सॉवरेन पावर्स ना, देन वी आर सेइंग बेसिकली द पावर्स ऑफ द स्टेट विच कैन नॉट बी डेलीगेटेड टू सम पर्सन, प्राइवेट इंडिविजुअल और एनी प्राइवेट एंटिटी। एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल देखो मेरे भाई, आर्मी के काम है, नेवी के काम है, एयरफोर्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ऑल दीज थिंग्स आर कंसिडर्ड अंडर सॉवरेन फंक्शंस। अच्छा सर ठीक है, समझ में आ गया। नॉन सॉवरेन फंक्शंस बताओगे जरा? नॉन सॉवरेन फंक्शंस सेम का उल्टा क्या? कि विच
कैन बी डेलीगेटेड, डेलीगेटेड मतलब पास ऑन कर सकते हैं, हाँ भाई तुम कर लो प्राइवेट एंटिटी। देखो प्रेजेंट वर्ल्ड में क्या हो रहा है ना, गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट एंटिटीज आर वर्किंग टुगेदर इन मेनी ऑफ द प्रोजेक्ट्स लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, रेलवेज एंड और बहुत सारी चीजें हैं जहां पे वो प्रॉफिट अर्निंग का मकसद लेके साथ में काम कर रहे हैं ताकि ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके और प्रॉफिट भी जनरेट हो सके, है ना। बट ड्यूरिंग दैट प्रोसेस अगर कोई टॉर्शियस एक्टिविटी कमिट होती है, इवन दो इट इज कमिटेड बाय गवर्नमेंट सर्वेंट, then also the state will be held liable because it is not a sovereign function. समझ में आ रही है बात? देखो इसी को समझाते हुए मैं तुमको एक बढ़िया सा केस सुनाता हूं, पेनिनसुलर एंड ओरिएंटल स्टीम नेविगेशन कंपनी वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया। देखो ये बहुत ही लैंडमार्क केस है, याद रखना इसको। हुआ क्या, जो यहां पे प्लेंटिफ है इनके एम्प्लॉय जब अपनी घोड़ा गाड़ी पे जा रहे थे तो जो डिफेंडेंट है इनके एम्प्लॉय ने नेग्लिजेंटली एक आयरन रॉड ड्रॉप कर दी जिसके थ्रू हॉर्स को इंजरी हो गई। क्लियर? अब सुनो यहां पे इन्होंने कहा कि स्टेट पे हम केस फाइल करेंगे, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अगेंस्ट इन्होंने केस फाइल किया। रिजल्ट क्या निकला, यहीं पे पहली बार बात हुई कि स्टेट को आप कब सू कर सकते हो कब नहीं। देखो इन्होंने कहा द डिस्टिंक्शन बिटवीन नॉन सॉवरेन एंड सॉवरेन पावर्स ऑफ द स्टेट वॉज ड्रॉन व्हेन द एम्प्लॉइज ऑफ द स्टेट आर डिस्चार्जिंग देयर फंक्शंस और डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटीज व्हिच आर अंडर सॉवरेन पावर्स ऑफ द स्टेट, तो आप नहीं कर सकते। बट अंडर दिस केस देयर वाज नो सच सॉवरेन पावर्स बीइंग एग्जीक्यूटेड, नॉन सॉवरेन फंक्शंस द एग्जीक्यूशन हो रहा था, सो द स्टेट वाज हेल्ड वाइकेरियसली लायबल इन दिस केस। बात समझ में आ रहा है? एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन, ईस्ट इंडिया कंपनी उस टाइम पे थी, उसके कुछ सॉवरेन फंक्शंस थे, कुछ कमर्शियल फंक्शंस थे, वो एक ट्रेडिंग कंपनी थी ना जिसने एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ऑक्यूपाई कर ली थी, सो इट वॉज हेल्ड कि सॉवरेन फंक्शंस तो ठीक है उसके अंदर आप एक बार को लायबिलिटी एस्केप कर जाएगी, बट व्हेन यू आर परफॉर्मिंग द कमर्शियल फंक्शंस तो आपको लायबिलिटी झेलनी होगी फॉर द टॉर्शियस एक्ट्स ऑफ योर एम्प्लॉईज। बात समझ में आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट केस दोनों हैं, इनको मैं इसी चीज को ब्रॉडन करने के लिए, इसी फैक्ट को ब्रॉडन करने के समझाऊंगा। आई सजेस्ट यू कि तुम लोग इनकी एक डीप रीडिंग लगाना, है ना। ठीक है, तो बात शुरू करते हैं, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती। स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, एक बात समझो, गवर्नमेंट विद्यावती है, है ना, इनके हस्बैंड को एक गवर्नमेंट व्हीकल से एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हिट कर देता है जिससे उनकी डेथ हो जाती है। अब बताइए क्या यहां पे आप लायबिलिटी स्टेट को देंगे? सोचिए, यहां पे तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई गवर्नमेंट जीप चला रहा है, क्या वो गवर्नमेंट का काम है? ठीक है, गवर्नमेंट का काम है, क्या वो सॉवरेन फंक्शन है? हाँ या ना? जी नहीं। तो यहां पे वही हुआ जो हम सोच रहे हैं, यानी कि स्टेट ऑफ राजस्थान को लायबल किया गया एक्ट ऑफ दिस, यहां पे वाइकेस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हुआ और यहां पे न्याय के तौर पे विद्यापति को न्याय मिल गया। ठीक है, डिफेंस नहीं दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। देखो यार, इस केस में जो फैक्ट्स हैं वो बाद में बहुत क्रिटिसाइज किए गए कि जो जजमेंट आया वो सही नहीं था। आई गिव यू द ऑनर्स कि मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में ये सब ठीक ठाक था या नहीं। ठीक है, कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में क्या हुआ, देखो यहां पे जो कस्तूरी लाल थे ये अपने कुछ गोल्ड ऑर्नामेंट्स मेरठ के मार्केट में सेल करने जा रहे थे। बीच में दो कॉन्स्टेबल्स ने इन्हें ये सोच के पकड़ लिया कि ये इनके पास जो मटेरियल है, जो सोना है, वो कहीं और से चुराया या फिर गलत तरह से ऑक्यूपाई किया हुआ है। अब जब वो कस्टडी में उन्हें रखा गया तो उस कस्टडी के दौरान उनके सोने को ले जाके ट्रेजरी में रख दिया गया, ट्रेजरी मलखाना जो बोलते थे पहले हम लोग वहां पे। अब उसका जो इंचार्ज था वो कौन था, वो भी एक गवर्नमेंट ऑफिशियल था। उसने क्या किया, उसने वो सारा सोना उठा के पाकिस्तान फुर हो गया। अच्छा,
अब वो तो चला गया, बताइए यहां पे अब कस्तूरीलाल के पास क्या रेमेडी है। कस्तूरीलाल का जो सोना था वो तो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल की गलती से खोया। यहां पे बताइए स्टेट को लायबल होना चाहिए, होना चाहिए ना, लग तो यही रहा है ना, पर हुआ नहीं। हुआ क्या कि यहां पे स्टेट ऑफ यूपी को कोर्ट ने कहा कि जो फंक्शन जो कांस्टेबल जो ऑफिशियल था जो उसकी देखरेख करने के लिए असाइन किया गया था वो स्टेट का फंक्शन मतलब डिस्चार्ज स्टेट के लिए ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहा था और उसकी जो ड्यूटी डिस्चार्ज करने की बात थी उसको सोवरेन फंक्शन माना गया और लायबिलिटी नहीं अराइज हुई। यहां पे कस्तूरीलाल बेचारे हमारे अन्याय में रह गए। अच्छा ऐसा अगर ये हुआ तो हम लोग एक प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट जानते हैं, प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट जानते हैं ना, उसमें क्या होता है पुराने केस लॉस को कोर्ट रेफर करती है, अगर कुछ बात ठीक रहती है तो उसको एज इट इज अप्लाई कर दिया जाता है और कुछ गलती होती है तो उसको चेंज किया जाता है ना। सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन वो ऐसा कौन सा केस लॉ था जहां पे इस जजमेंट को पलट दिया गया, कहा कि नहीं दीज वर नॉट द सॉवरेन फंक्शंस। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। ठीक है, सो अगर वीडियो पसंद आई हो ना तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो ना। मजे करो।